आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर टुंडला आरपीएफ जीआरपी और एलआईयू की संयुक्त टीम ने संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया, जहां चेकिंग अभियान के दौरान कई ट्रेनों को चेक किया गया। बता दें वहीं स्टेशन पर बैठे यात्रियों के सामानों की भी चेकिंग की गई। इस दौरान बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहा। आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित यादव ने बताया कि चेकिंग अभियान आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ जीआरपीएफ और एलआईयू के संयुक्त टीम द्वारा चलाया गया और ये चेकिंग अभियान 26 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगा। गणतंत्र दिवस के बाद भी आरपीएफ पुलिस ने कहा कि आगे भी रेलवे परिसर में चेकिंग होती रहेगी। आने वाले गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र ये चेकिंग अभियान था, जिसमें एलआईयू से सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार थे और जीआरपी से हमारे सब इंस्पेक्टर थे मुकेश कुमार, और आरपीएफ से सब इंस्पेक्टर एमपी सिंह मौके पर मौजूद थे। उन सभी तीनों एजेंसियों द्वारा मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें स्टेशन परिसर, ट्रेन जैसे घूमती है और पार्सल और सर्कुलेटिंग एरिया, इनके अंदर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। यात्रियों के सामान को चेक किया गया है, कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु दिखाई देने पर उस पर प्रॉपर उचित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल तक कोई ऐसा संदिग्ध कोई वस्तु